माइसेल्फ रितिका और आज की प्रैक्टिस में हम करने वाले अपने पित्त को कंट्रोल करने वाले कुछ योग आसनास। अगर आपके शरीर में वात, पित्त या कफ, इन तीनों चीजों में कोई भी एक चीज अनबैलेंस होती है तो कई तरह की परेशानियां होने लगती है, जैसे कि चिड़चिड़ापन होना, ज्यादातर भूख न लगना, शरीर में कई तरह के चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। ये आपके पित्त, वात या कफ के बिगड़ने की वजह से होता है। तो आज की प्रैक्टिस में आप अपने पित्त को कैसे कंट्रोल करेंगे थ्रू द योग आसनास, आज मैं वो सारे आसनास आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अपने पित्त को कंट्रोल करने के लिए आप ये सारे आसनास अपने दैनिक जीवन में रोज ऐड करिए, जिससे आपके पित्त कंट्रोल रहते हैं। और साथ ही साथ अगर आप मेरे पेज पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं तो उसे फॉलो जरूर करें। चलिए आज के आसनास में हम सीखेंगे अपने पित्त को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू द योग आसनास। तो आज का जो सबसे पहला आसनास है, इसे हम कहते हैं मर्जार्य आसना, बितली आसना, कैट एंड काउ, जो आपके शरीर में पित्त को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसे करने के लिए आप अपने दोनों नीज को इस तरीके से ड्रॉप कर लीजिए, शोल्डर लेवल पे आप अपने हाथों को रखें, गहरी लंबी सांस लेते हुए आप अपने नेक को अंदर की तरफ मोड़ेंगे, पीठ को ऊपर की तरफ उठाएं और फिर सांस छोड़ते हुए आप अपने नेक को ऊपर की तरफ लेकर जाइएगा, बेली को अंदर की तरफ खींचे, फिर से गहरी लंबी सांस लीजिए और अपने पीठ को ऊपर की तरफ उठाएं, सांस छोड़ते हुए अपने पीठ को अंदर की तरफ और अपने नेक को स्ट्रेच कर लें। 2 से 3 बार हम इस रिपीटेशंस को करेंगे, क्योंकि ये हमारे पित्त को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ये काफी अच्छा आसना माना भी जाता है योग में, जो आपके स्पाइन को फ्लेक्सिबल करता है। अगर आपके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है तो आप इस तरह के योगासना रेगुलर करिए। गहरी लंबी सांस लीजिए नेक को ऊपर की तरफ और सांस छोड़ते हुए अपने नेक को अंदर की तरफ। अब हम बढ़ेंगे अपने दूसरे आसनास की तरफ, जिसे हम कहते हैं शशांक आसना, बालासना। इसी पोजीशन से आप अपने पूरे लेग को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हाथों को इस तरीके से फैला लेंगे, हेड को आप अपने जमीन पे लगाइए, नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए आप अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग, पूरा शरीर ढीला, बिल्कुल हल्के से अपने शरीर को शशांक आसना में रिलैक्स करेंगे। ये एक ऐसा आसना है जो आपके पूरे शरीर को शांत और स्थिर करता है। धीरे से अपने हेड को ऊपर की तरफ ले आइए और आपकी जो लेफ्ट लेग है आप इसे सामने ले आए। हम अपने अगले आसनास की तरफ बढ़ रहे हैं, जो है चंद्र नमस्कार। चंद्र नमस्कार में हम अपने लेफ्ट लेग को सामने लेंगे और अगर आप बिगिनर हैं तो जितनी आपकी लेग अलाउ करेगी आप इस तरीके से अपने लेग को सामने लेकर आएंगे, पीठ आपके बिल्कुल सामने की तरफ। गहरी लंबी सांस लेते हुए आप अपने हाथों को इस तरीके से